जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ अफवाह के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 6 जून 2020 के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनजीओ हैज वॉन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020। इस क्वेश्चन में हमें एक एनजीओ का नाम बताना है जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 जीता है। ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शन नंबर 4 सीड्स। सीड्स स्टैंड फॉर सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। इस एनजीओ ने इस अवार्ड को जीता है। इस बार का वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया गया था 31 मई को। इस बार की थीम थी प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैन्युपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। ये इस बार की थीम थी। इस बार का जो वर्ल्ड नो टोबैको डे था, इस पर यह हैशटैग काफी फेमस था, वर्ल्ड टोबैको एक्सपोज्ड करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया विच इज लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय 2021। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक एक्सप्रेस वे का नाम जो इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है। ये साल 2021 के शुरुआत में या फिर साल 2020 के एंड में खत्म हो जाएगा, यानी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यह ऑप्शन नंबर 4 पूर्वांचल हाईवे। ये गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक रहेगा, गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक 380 किलोमीटर का ये हाईवे। ओके, इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस हाईवे। नेक्स्ट है, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK यूनियन टेरिटरी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। यह है ऑप्शन नंबर 1 GC मुर्मू। ठीक है, ये झारखंड से है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है JNK टेरिटरी के, यूनियन टेरिटरी के। रिसेंटली ये यूज में थे क्योंकि मेरा वेतन नाम का एक ऐप लॉन्च किया है इन्होंने, पोर्टल लॉन्च किया है। जितने भी सैलरी रिलेटेड चीजें रहेंगी JNK की, के काम करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है इन्होंने, इस वजह से न्यूज में थे मेरा वेतन। ठीक है, किरण बेदी है पौंडीचेरी की, पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहीं अनिल बैजल है दिल्ली के, और न्यूली फॉर्म्ड दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इसके है प्रफुल्ल पटेल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप याद रखिए, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इनिशिएटेड स्पंदन कैंपेन फॉर इट्स पुलिस पर्सनल्स। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिसने अपने पुलिस पर्सनल्स के लिए स्पंदन नाम का एक कैंपेन शुरू किया है। किसके लिए किया है? पुलिस पर्सनल्स के लिए। यह है ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने अपने पुलिस पर्सनल्स के मेंटल हेल्थ के लिए, जो भी मेंटल स्ट्रेस आता है उससे कोप अप करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया, इस कैंपेन को लॉन्च किया है, स्पंदन पोर्टल। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल, और यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। ठीक है, ये भी पार्लियामेंट में सांसद रह चुकी हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है छिंदवाड़ा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म टू एक्वायर 9.9% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स। इस क्वेश्चन में हमें एक प्लेटफॉर्म का नाम बताना है जिसने जियो में 9.9% का स्टेक खरीद लिया है। यह है ऑप्शन नंबर 2 फेसबुक। फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है, बासु चटर्जी वॉज इन न्यूज, ही बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड। बासु चटर्जी रिसेंटली न्यूज में थे क्योंकि इनका देहांत हो गया है, ये 90 वर्ष के थे। हमें बताना है कि ये किस फील्ड से बिलोंग करते थे। ये थे ऑप्शन नंबर 1 और 2 फिल्म मेकर एंड स्क्रीन राइटर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, बोथ A और B। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्रेस ज्वाइन यूनिसेफ्स रेड डॉट चैलेंज। इस क्वेश्चन में हमें एक एक्ट्रेस का नाम बताना है जिन्होंने यूनिसेफ का रेड डॉट चैलेंज ज्वाइन किया। रेड डॉट चैलेंज रिसेंटली मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए एक कैंपेन था यूनिसेफ का। तो हमें बताना है एक एक्ट्रेस का नाम जिन्होंने ये ज्वाइन किया। ये है ऑप्शन नंबर 3 मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। ठीक है, इन्होंने ये कैंपेन ज्वाइन किया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसकी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है हेनरिएटा फोर।
नेक्स्ट है स्टेट ओन्ड नेचुरल गैस कंपनी गेल साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक स्टेट ओन्ड कंपनी जिसका नाम है गेल, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एक कंपनी के साथ। हमें इस कंपनी का नाम बताना है। ये कंपनी है ऑप्शन नंबर 3 एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। गेल ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन ऑफ फिफ्थ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। हु इज द प्रेजेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर? रिसेंटली गवर्नमेंट ने फिफ्थ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 की कंसल्टेशन प्रोसेस को शुरू किया है। हमें बताना है कि प्रेजेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन है। तो यह है ऑप्शन नंबर 1 के विजय राघवन। के विजय राघवन हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है। वहीं के सिवन इसरो के चीफ है। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के चीफ है, ठीक है। और डीआरडीओ की एक साइंटिस्ट है टेसी थॉमस। ये अग्नि 4 मिसाइल जो प्रोजेक्ट था इसकी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी टेसी थॉमस। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट। इस क्वेश्चन में हमें एक कंट्री का नाम बताना है जिसके साथ हमारे यूनियन कैबिनेट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एनवायरनमेंट एरिया में कोऑपरेशन के लिए। यह है ऑप्शन नंबर 2 भूटान। भूटान के साथ हमारी यूनियन कैबिनेट ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिससे हम एनवायरनमेंट में कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। जो भी रिसोर्सेज है एनवायरनमेंट से रिलेटेड उन्हें मैनेज करने के लिए और उन्हें लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए ये कोऑपरेशन किया गया, ठीक है। भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्फू और यही थिम्फू ही भूटान का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू फ्रेश ग्रेजुएट्स इन ऑल अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्री। इस क्वेश्चन में हमें एक ऑनलाइन पोर्टल का नाम बताना है जो प्रोवाइड करेगा इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फ्रेश ग्रेजुएट्स को। जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज है और स्मार्ट सिटीज है पूरे कंट्री के, वहां पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा फ्रेश ग्रेजुएट्स को। ये पोर्टल का नाम है ऑप्शन नंबर 1 ट्यूलिप। ट्यूलिप स्टैंड्स फॉर द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अर्बन लोकल बॉडीज ने मिलकर शुरू किया है, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे नए एडिशन में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद जय भारत।